सीसीएन न्यूज 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम मौजूद है रोहिणी के सेक्टर 16 में, जहां आज एक सावन के महीने में एक भव्य कथा का आयोजन किया जा रहा है, शिव जी की कथा का, जो कि रोहिणी विकास मंच के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिनके चेयरमैन है हमारे साथ जय कुमार बंसल जी। इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे आज। बंसल जी को मेरा नमस्कार। नमस्कार, बताओ। हेलो, हाँ नमस्कार बेटा, बताइए। हाँ, तो आज आप इस भव्य कथा के बारे में क्या बताना चाहेंगे बंसल जी? सावन का महीना है, भगवान शिव की कथा है, और आपने सारा कार्यक्रम देखा है। सुबह कलश यात्रा का श्री राम मंदिर से भव्य कलश यात्रा आपने देखी होगी, आप भी साथ होंगे। और सावन के महीने में हर साल भगवान शिव की कृपा से एक आयोजन हमारी संस्था के माध्यम से यहाँ पे होता है। संस्था का सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिले। सावन माह में, सावन का महीना भगवान शिव के लिए बहुत विशेष महत्व का माना जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको लाभ मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग महाराज श्री के मुख से इस कथा को श्रवण कर सकें, और इसके माध्यम से जो लाभ लोगों के जीवन में जो बदलाव और जो लाभ मैंने निश्चित तौर पे देखा है। पिछले विगत 18 वर्षों से हम ये कथा, 2 साल नहीं हो पाई, 18 वर्षों से लगातार भगवान की कृपा से ये कथा रोहिणी में, पहले प्रशांत विहार में होती थी, जब से ये भवन बना हर वर्ष यहाँ पे रोहिणी विकास मंच के माध्यम से यहाँ पे इस कथा का आयोजन होता रहा है। सब मकसद एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो, सनातन धर्म का प्रचार हो, और देश आगे बढ़े और लोगों को लाभ मिले, ताकि लोगों के धर्म के बारे में जानकारी मिल सके, और भगवान शिव जो संसार के मालिक हैं उनकी कथा का आनंद वो लोग ले सकें। कई बार ऐसा होता है बहुत से लोग ये नहीं कर पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं, तो यहाँ पे हमने प्रयास किया है कि हर आदमी तक मैसेज हमने पहुँचाने की कोशिश की है, ताकि उसको ये मैसेज मिले और वो इस कथा का लाभ मिल सके। धन्यवाद बंसल जी। नरेंद्र जी, आप क्या बताना चाहेंगे इस कथा के बारे में? रोहिणी विकास मंच के तत्वाधान में पिछले 20 साल से श्रावण मास में यह कथा पूज्य गुरुदेव द्वारा आयोजित की जाती है, और हर बार बंसल भवन में यह कथा बड़े ही उत्साह से की जाती है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से अपना करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि वो इस कथा को श्रवण करने आए और यहां पर आकर के पुण्य के भागी बने, पुण्य प्राप्त करें, लाभ प्राप्त करें, बस इसी मनोकामना के साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। और मुझे लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से यह बात सभी मेरे दर्शकों तक पहुँचेगी और वो सब इसमें सम्मिलित होंगे। आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। जय।